यहीं पांडु के सर कहीं नहीं आगे तक जा रहा हूँ मैं। और इसका एंगल भी जो है ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है वो मुझे अभी बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा। और देखिए मोमोज बनके तैयार हो चुके हैं अभी पूरे टीम, और ये मोमोज की चटनी। ये है हमारा GoPro Hero 9, इसको मैं आपको अनबॉक्स कर। कुछ इस तरह से अभी हमारा जो GoPro है वो दिख रहा है। जय भद्र विशाल, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल YB Vlogs में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बहुत दिनों से जो मेरे व्लॉग्स हैं वो नहीं आ पा रहे थे, उसका जो रीज़न है वो ये है कि मेरा जो फ़ोन था वो 2-3 महीने पहले बद्रीनाथ में कहीं खो गया है, जिससे मैं वीडियोस बनाया करता था। अब उसका बस डब्बा ही बचा हुआ है, और आज से मैंने वीडियो की दोबारा से शुरुआत कर ली है, क्योंकि जो नया व्लॉगिंग सेटअप है वो मैं ले चुका हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि क्या क्या जो व्लॉगिंग के लिए नया सेटअप है मैंने लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा GoPro Hero 9, इसको मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। वैसे तो ये पहले ही खुल चुका है, क्योंकि मैंने चेक इससे पहले चेक हो चुका है, तो अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर है। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, इसके ये है हमारा GoPro Hero 9, और इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें भी दी हुई हैं, जैसे कि ये हेलमेट का माउंट है, ये भी एक हेलमेट का माउंट है, और ये इसकी बैटरी है, और ये है हमारा GoPro। तो इसको खोल के या एक बार आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये अभी ऑन हो चुका है हमारा GoPro। ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं जो व्यू इसके अंदर का। वैसे अभी इसमें मेमोरी कार्ड नहीं डाला है, तो अभी थोड़ी देर में आपको चेक करके बताएंगे। अब चलते हैं दूसरे एसेसरीज़ की तरफ, इसको रखते हैं थोड़ा साइड। और ये है हमारा GoPro और जो इसका एडाप्टर है उसको एक साथ जोड़ने के लिए, जो माउंट कवर कह सकते हैं हम इसे। ये देखिए ऐसा दिखता है ये, इसको भी अभी आपको जोड़ के दिखाएंगे। और ये है एडाप्टर जिससे कि जो GoPro है उस पर माइक जो है वो कनेक्ट होगा। थोड़ा सा ये कैमरे में फोकस बनने में टाइम लग रहा है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखता है, इसको भी अभी हम रखेंगे साइड। और ये है हमारा माइक जिसकी जो फिटिंग है वो इस हेलमेट पे होनी है, जो मैंने कल ही कर दी थी। आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए इस माइक का जो अडेप्टर वो है, और बाकी ये बाहर GoPro पे लगेगा, और ये माइक का हिस्सा शायद आपको, हाँ ये देखिए ये दिख रहा है। तो ये मैंने पूरी जो वायरिंग है इसके अंदर कर दी है, अभी हमारा जो बाकी है वो है इस पर माउंट लगाना। तो देखते हैं अभी थोड़ी देर में माउंट लगा के भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो ये GoPro है उसको हम फिट करेंगे ये जो माउंट है उस पर। आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा माउंट, और ये मैंने पूरा खोल के रखा हुआ है, तो इसको डालेंगे इसके अंदर कुछ इस तरह से, और ये लॉक हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा लॉक। फिर ये है हमारा एडाप्टर, इसको डालेंगे इसके अंदर। तो ये जो एडाप्टर है कुछ इस तरह से यहाँ पे लग चुका है। अब हम इसकी जो वायर है इसको GoPro से फिट कर देते हैं। फिर अब हमको इस साइड से, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माइक और चार्जिंग का दो अलग अलग ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, क्योंकि माइक का जो डायरेक्ट ऑप्शन है वो GoPro के अंदर नहीं मिलता है। तो अभी हमारा ये फिट हो चुका है। अब ये दो चीज़ें हमारे पास और आती हैं हेलमेट पे माउंट को जो है फिट करने के लिए। तो पहले हम इन दोनों को आपस में फिट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये फिट होता है, ये देखिए ये आपस में फिट हो चुके हैं। ये लगेगा इस पे, आप लोग ये देख सकते हैं, इस पे कुछ इस तरह से ये फिट होगा। और इसमें ये दिया हुआ है इसका स्क्रू उसे टाइट करने के लिए, तो पहले हम इसे टाइट कर लेते हैं। ये देखिए ये अभी बिल्कुल टाइट हो चुका है, कुछ इस तरह से अभी हमारा जो GoPro है वो दिख रहा है।
और अब जो सबसे बड़ा टास्क रहेगा वो है इसको इस पर अटकाने का। वैसे तो इस पर टू साइडर टेप दिया हुआ है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये इतने जो भार है उसको झेल पाएगा। फिर भी एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ इस टेप से। खैर ये तो इस पर चिपक ही जाएगा, लेकिन मेरे हेलमेट का थोड़ा सा डिज़ाइन जो है कुछ अलग है। ये देखिए आप, फेस पे हल्का सा ही हुआ, एक बार ट्राई करके मैं देख रहा हूँ। ये देखिए वैसे अभी इस पे ये फिट तो हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये ज़्यादा लोड पड़ने पे हिल सकता है। और अभी जो वीडियो है मैं गोप्रो से शूट कर रहा हूँ, और जो हमने माउंट लगाया था उस टाइम पे हेलमेट पे वो कुछ ज़्यादा ठीक तरीके से लगा नहीं है। तो मैं जो दुकान पे से अभी एमसील लेके आया था, जो हमारे एक दोस्त हैं अनुज बटोला, उसने मुझे बताया कि एमसील से चिपक जाता है। तो अभी मैंने सुखाने के लिए रखा है। यहाँ पे देखिए हेलमेट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एमसील से पूरा जो माउंट है उसको अभी चिपकाया हुआ है। थोड़ी देर में शायद ये हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बाइक पे लगा के भी जो गोप्रो है उसको बाइक पे माउंट करने के बाद भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और अब जो हेलमेट है उसका जो माउंट है वो पूरी तरह से लग चुका है। तो एक बार अभी ट्राई करने के लिए मैं आप लोगों को खुद दिखाता हूँ कि बाइक पे ये कैसा मतलब दिखता है इससे व्यू। और अभी देखिए जो गोप्रो है बाइक पे हमने सेट कर लिया है, और यहाँ से थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि कहाँ तक थोड़ा सा आगे जाके और इसका जो साउंड चेक है वो भी कर लेंगे। और यह है हमारे गांव का मार्केट। यहीं पांडू के सर, कहीं नहीं आगे तक जा रहा हूँ, यहीं पे तक मैं बस इसको चेक करने जा रहा हूँ। कहाँ पे? मैं तो इधर ही तक जा रहा हूँ, मैं थोड़ा इसको चेक करने जा रहा था ना। कहाँ तक जाना है आपको? ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा पैर पीछे रखना। तो अभी मैं आया हूँ 2 किलोमीटर आगे तक। तो अभी इसका साउंड जो है वो मुझे अभी पता नहीं चल पा रहा है कि कैसी मेरी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो रही है। तो अभी यहाँ से मैं वापस चल दिया हूँ। तो अभी जहाँ पे मैं बाइक को पार करता हूँ वहाँ पे रोक के एक बार चेक कर लूँगा कि साउंड ठीक से आ रहा है नहीं, क्योंकि माइक भी जो है मैंने अभी तक चेक नहीं करा इसमें। तो अभी रुक के ही पता चल पाएगा कि कैसा साउंड जो है उसमें अभी रिकॉर्ड हुआ है। और इसका एंगल भी जो है ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है वो मुझे अभी बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है। तो रुकने के बाद जो है उसको मैं चेक कर लूँगा अच्छी तरह से। और अभी जो 31 का टाइम आ रहा है उस वजह से यहाँ पर जो चेकिंग है काफ़ी ज़्यादा चल रही है, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं वो आजकल बद्रीनाथ जाना अलाउड नहीं होता उनके लिए। तो इस वजह से जो पुलिस की चेकिंग है यहाँ पर लगातार चलती रहती है। और अभी यहाँ पे क्योंकि आजकल हम रोड पे जो बाइक है यहाँ पे लगानी पड़ती है, क्योंकि खास जो पार्किंग है वो यहाँ पे है नहीं। तो अभी यहाँ पे रोकने के बाद देखते हैं कि कैसा जो साउंड है वो यहाँ पे आया है। और इससे पहले आपने जो वीडियो क्लिप देखी उसमें आपने देख लिया होगा कि जो माइक है वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो एंगल है वो ज़रा ख़राब हो गया था। तो अभी अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो एंगल का ध्यान रखूंगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर पे, और यहाँ पे देखिए आज 31 है, साल का आखिरी दिन, और मम्मी कुछ स्पेशल बनाने की तैयारी में है। मम्मी कह रहे हैं कि मोमोज़ बनाते हैं घर पे, तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे। इसके बाद आपको भी दिखाते हैं कैसे करके हम लोग मोमोज़ बनाते हैं। और अभी यहाँ पे देखिए मोमोज़ के लिए जो मैदा है मम्मी अभी गूंथ रही है, और जो उसके अंदर भरने के लिए मसाला वो भी धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। ये जो प्याज है मैं अभी प्याज काटूँगा।
फिर जो मसाला है वो तैयार करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मम्मी जो है जो नमक पीस रही हैं अभी, काफ़ी टेस्टी जो नमक होता है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलाई जाती है। उसके बाद कभी संतरे में, रोटी में भी आप इसको खा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं खुशबू तो खैर वीडियो में कह रही, लेकिन अगर आप यहाँ पर होते हैं तो खुशबू जो है काफ़ी दूर तक इसकी आती है। और अभी मैं आपको देसी तरीका बताता हूँ मोमोज को स्टीम करने के लिए। यहाँ देखिए ये घरों में जो छेद छेद वाली परात होती है उसके नीचे से हमने पानी भर दिया है। और ये एक मोमोज का जो स्टीम करने का बर्तन है वो तो हमारे पास है नहीं, लेकिन ये हमने देसी तरीके से आज हम लोग मोमोज बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमने मोमोज उसमें रख दिए हैं और अभी इसको ढक देंगे हम थाली से। और देखिए मोमोज बनके तैयार हो चुके हैं अभी पूरे स्टीम। और ये है मोमोज की चटनी और मम्मी अभी भी थोड़ा बहुत बना रही है और कुछ उसमें भी रखे हुए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कलर इसमें थोड़ा येलो येलो दिख रहा है, लेकिन काफ़ी टेस्टी ये हो रहे हैं। तो चलिए आज का ये जो व्लॉग है यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी को जो नया साल आने वाला है उसकी हार्दिक शुभकामनाएँ। और कल से जो मेरी वीडियोज़ हैं वो भी थोड़ा सा लगाएंगी, ये मैंने फ़र्स्ट आज चेक करने के लिए बनाया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल YB Vlogs को।